एवरीवन, तो आज जो है मैंने बहुत ही प्यारा सा ब्लू स्मोकी आई लुक किया है फॉर द नाइट फंक्शन। तो आगे मैं आपको ट्यूटोरियल में बताऊंगी गाइस। तो गाइस, सबसे पहले जो है मैंने फेस को मॉइस्चराइज़ किया है यहाँ जॉनसन बेबी क्रीम के साथ, और इसे अपने फुल फेस और नेक पे अप्लाई किया है। इसके बाद जो है मैंने जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि विंटर्स है तो इसीलिए अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपका जो स्किन केयर है वो अच्छा होना चाहिए। अब जो है गाइस, प्राइमर मैंने यहाँ स्टे क्विकी का प्राइमर लिया है और अच्छी तरह से अपने फुल फेस पे अप्लाई किया है इसे। अब जो है गाइस, आज जो है मैं पॉन्ड्स की बीबी यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी बीबी क्रीम है ये और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। तो इससे जो है मैंने डॉट डॉट करके अपने फुल फेस और नेक पे अप्लाई किया, और बाद में जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो गाइज, आप जो है ब्रश की हेल्प से भी इसे लगा सकते हो, ये इजीली ब्लेंड हो जाती है। कंसीलर के लिए गाइज मैंने एड्स अल्टीमेट कंसीलर पैलेट यूज़ किया है, अपनी डार्क सर्कल्स को फिल करने के लिए, हाइड करने के लिए, आईलेट्स पे थोड़ा सा, चीक्स पे मेरी झाइयाँ उनको, और फोरहेड पे थोड़ी सी हाइलाइटिंग के लिए और लिप्स के अराउंड में। तो इसे जो है मैं अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी, और बहुत ही अच्छा क्रीमी पैलेट है गाइज ये, बहुत ही अच्छा कंसीलर है। बेस को सेट किया है गाइज मैंने यहाँ NYBAE के कॉम्पैक्ट के साथ। और अब जो है गाइज मैंने यहाँ पे मॉर्फी पैलेट लिया है, और इसी पैलेट में बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर है, तो मैं इसी से जो अपनी आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। तो गाइज, आईब्रोज़ मैं हमेशा ना एंगल ब्रश की हेल्प से बनाती हूँ, और पहले शेप देती हूँ और उसके बाद उनमें कलर फिल करती हूँ, मतलब आई शेडो फिल करती हूँ, और उसके बाद जो है उसे ब्रश कर लेती हूँ ताकि थोड़ा नेचुरल लुक आए। अब जो है गाइज, सेम उसी पैलेट में से जो है मैंने ब्राउन शेड पिक किया है अपनी क्रीज लाइन के लिए। तो गाइज, जब भी हम स्मोकी आई करते हैं ना, तो हमें जो है उसके साथ ब्लेंड करने के लिए कोई लाइट कलर लेना चाहिए। तो आप ब्लेंडिंग बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पहले जो है क्रीज लाइन से ही शुरू कर रही हूँ। अब जो है गाइज, मैंने सिंपल सा ये 10 रुपीज़ का लोकल मार्केट से काजल लिया था, इसे जो अपनी आईलेट पे मैंने पहले लगाया है, और उसके बाद जो है मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो गाइज, ये काजल ना बहुत ही अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्ट रहता है और 10 रुपीज़ का मात्र आपको मिल जाता है, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरह का स्मोकी आई करना हो तो आप इस तरह का जो काजल है वो यूज़ कर सकते हो। अब जो है गाइज, सेम वही ब्लैक कलर जो मैंने आईब्रोज़ के लिए लिया था, वही जो है मैं अपनी आईलेट पे प्लेस कर रही हूँ उस काजल के ऊपर, थोड़ा सा मैट फिनिश के लिए, और थोड़ा जो वो काजल है वो भी सेट हो जाए उस लिए। अब जो है गाइज, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ना ग्लिटरी ग्लिटरी भी नहीं, आप इसको शिमर शेड बोल सकते हो, बहुत ही प्यारा ब्लू कलर है, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, बहुत ही सुंदर कलर लगा मुझे। तो इसे मैंने अपने आईलेट के ऊपर जो है लगा लिया फिंगर की हेल्प से, और गाइज सेम उसी कलर को जो है ना मैं एंगल ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा अपने एजेस को ना थोड़ा सा फिनिश लुक दे रही थी, क्योंकि मेरा जो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मैसी हो जाता है, तो इसीलिए जो है जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मैं एंगल ब्रश की हेल्प से उसे साफ़ कर लेती हूँ। और ब्राउन कलर जो है मैंने जो वो किया था उसी से जो मैंने ब्लेंड कर लिया है इस ब्लू कलर को। और गाइस, सेम उसी काजल स्टिक्स को जो है ना मैंने अपनी अपनी वाटर लाइन के लिए यूज़ किया है, और एंगल ब्रश की हेल्प से जो है मैं उसे स्मच कर दूंगी थोड़ा सा, और बाद में जो है गाइस, सेम इसी एंगल ब्रश में ना ब्लू कलर को चूज़ करके और उस इन इस काजल के ऊपर प्लेस कर दूंगी। और ऐसा इसलिए गाइस, क्योंकि जब भी आप क्रीज लाइन में या अपने आउटर वी में जो भी कलर प्लेस करते हो, वही आपको जो है अपने लोअर लाइन में भी जो है प्लेस करना होता है, तो उससे जो है आपका लुक कंप्लीट लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ ब्लू कलर जो है काजल के ऊपर लगा दिया। अब जो है गाइस, मैंने यहाँ ब्लू हेवन का एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा लिया है, और अपर लैशेस लोअर लैशेस में आज मैंने इस मस्कारा को अप्लाई किया है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो लोअर लैशेस को छोड़ भी सकते हो, और चाहो तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, ये ऑप्शनल है।
सेम उसी पैलेट में से गाइज मैंने यहाँ पे ना गोल्डन शेड पिक किया अपने इनर कॉर्नर्स के लिए। थोड़ा सा जब हम इस तरह का कुछ करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप इनर कॉर्नर्स को थोड़ा सा हाईलाइट कलर करो ना कुछ तो अच्छा लगता है। तो गाइज कंटरिंग ना मैंने ऑफ वीडियो ही जो है ऑफ कैमरा ही जो है कर ली थी, और ब्लशर के लिए ना मैंने इसी में से बहुत ही प्यारा सा पी शेड था वो चूज़ किया था अपने चीक्स के लिए। और सेम उसी पैलेट में से गाइज मैंने गोल्डन शिमर शेड जो है अपनी हाइलाइटिंग के लिए भी चूज़ किया। मैंने एक ही पैलेट में से जो है सारे काम आज अपने निकाल लिए थे, ब्लशर, हाइलाइटर और आई शेडो का तो काम करता ही है, और आईब्रोज भी उसी से ही फिल कर दी थी। तो हाईलाइट के लिए भी गाइज मैंने सेम वही जो मैंने इनर कॉर्नर्स पे गोल्डन कलर लिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा मैचिंग हो जाएगा, सेम सेम फेस लगेगा, तो इसीलिए मैंने जो है हाइलाइटिंग भी इसी से ही कर दी, अलग से हाइलाइटर यूज़ नहीं किया। तो गाइज आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा पैलेट है जिसमें काफ़ी सारे शिमर शेड, कुछ इस तरह के मैट शेड या कुछ इस तरह के शेड्स है, तो आप उसमें से ही सारा काम निकाल सकते हो। गाइज आज जो मैंने लिपस्टिक यूज़ नहीं किया है, मेरे पास बहुत ही प्यारा सा ना कोरल रेड शेड, आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही प्यारा सा शेड है, तो ये ना लिप लाइनर है मेरे पास, तो मैंने आज इसी को ही जो है यूज़ कर लिया एज अ लिपस्टिक भी। तो अगर आपके पास कोई लिपस्टिक शेड ना हो तो आप इस तरह सा लाइनर हो तो आप उसको भी अपने एज अ लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। और फुल फेस को मैंने सेट किया यहाँ इनसाइड के मेकअप फिक्सर के साथ। तो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप आपको ये मेकअप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और किसी और मेकअप लुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।